सेकंड ईयर में कितने चैप्टर्स हैं, क्या कुछ होगा उसमें, उसके लिए इंशाल्लाह एक सेपरेट मैं वीडियो करूँगा। ब्रीफली बता देता हूँ कि सेकंड ईयर में टोटल 13 चैप्टर्स हैं और 15 से इसकी काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो ये पहला चैप्टर है 15, होमियोस्टेसिस से रिलेटेड है, और सेकंड ईयर में ज़्यादा चैप्टर्स ह्यूमन फिजियोलॉजी से रिलेटेड। सो ये चैप्टर पढ़ने की या ये टॉपिक स्टडी करने की क्या ज़रूरत पेश आई, उसकी रीज़न ये है कि जब मैंने अपने स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर की वीडियोस भेजी तो उनका बड़ा सार्कास्टिक रिएक्शन था, और दे सेड के सर हम प्रमोट हो गए हैं, अब हम सेकंड ईयर में आ गए हैं, तो फर्स्ट ईयर की बजाय हमसे सेकंड ईयर के लेक्चर आप शेयर करें। तो इस वजह से सेकंड ईयर को स्टार्ट किया है। सो लाइफ के लिए क्रूशल क्या है, बहुत सारे लोगों की मुख्तलिफ राय है। कुछ लोग कहते हैं पैसा होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं दूसरों की मदद करने से आप लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि आप लाइफ को मुकम्मल तौर पे फुली इसको जीने की कोशिश करें तब ये एक वाहिद तरीका लाइफ गुजारने का। लेकिन मैं क्योंकि बायोलॉजिस्ट हूँ तो मेरे हिसाब से सब बातें गलत हैं। लाइफ गुजारने का एक ही तरीका है और वो ये है कि आपकी बॉडी होमियोस्टेसिस करे, वरना कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि लाइफ सर्वाइव कर सके। सो नाउ व्हाट इज होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस एक्चुअली जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, ये बैलेंस को मेंटेन करने का। तो पहले जो डेफिनेशन है, बड़ी अच्छी डेफिनेशन बुक ने लिखी है, वो ये है जी, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशंस इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब दो तरह के एनवायरनमेंट, एक आपकी बॉडी के अंदर, एक आपकी बॉडी के आउटसाइड है जिसमें आप रह रहे हैं। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में फ्लक्चुएशन होती हैं, चेंजेस आते हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉन्स्टेंट नहीं है। जैसे चार मौसम है, जैसे अब गर्मियाँ आ रही है, गर्मियाँ बढ़ना शुरू हो जाएंगी, फिर दरमियान में बारिश हो जाती है, मौसम ठंडा हो जाता है। तो इस तरीके से एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में बहुत सारी फ्लक्चुएशन आती हैं, उन फ्लक्चुएशंस की वजह से हार्म्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। जैसे आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड और अगर बाहर का टेम्परेचर 50 तक भी चला जाता है तो ये फ्लक्चुएशन की वजह से आपकी बॉडी को हार्म हो सकता है, क्योंकि हमारी बॉडी के एंजाइम्स 37 डिग्री सेंटीग्रेड पर काम करने के काबिल हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा बाहर तो ये हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। तो हमारी बॉडी क्या करती है कि हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को, इंटरनल इन्वायरमेंट में ब्लड वास्कुलर सिस्टम है, लिम्फेटिक सिस्टम है, इंटेस्टिशियल फ्लूइड है, इसको प्रोटेक्ट किया जाता है। तो ये होमियोस्टेसिस है। एक्चुअली होमियोस्टेसिस दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, होमियो मीन्स सिमिलर एंड स्टेसिस मीन टू मेंटेन, टू कीप अ बैलेंस। सो ये एक्चुअली वहाँ से ये वर्ड डराइव हुआ है। तो ये एक छोटी सी डायग्राम है जो उसको एक्सप्लेन करती है कि जो होमियोस्टेसिस है दैट इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ सेल्स, ठीक है जी। और ये सेल्स फिर आपको पता है सिस्टम बनाते हैं। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा हुआ है कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन से सिस्टम बनते हैं, और फिर ये बॉडी सिस्टम जब अपना अपना काम करते हैं तो ये अगेन क्या करते हैं, ये होमियोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिए बहुत क्रूशियल है। होमियोस्टेसिस सेल को बचाता है और सेल बॉडी सिस्टम बनाता है, और बॉडी सिस्टम अपने अपने तई होमियोस्टेसिस को मेंटेन करते हैं, और ओवरऑल बॉडी का होमियोस्टेसिस मेंटेन रहता है। सो जो होमियोस्टेसिस है वो इंटरनल फ्लक्चुएशंस को बहुत ही नैरो रेंज में रखता है, यानी टेम्परेचर की फ्लक्चुएशंस आप देखेंगे बहुत ही माइनर रेंज के अंदर होती है, पॉइंट्स के अंदर उसकी वैल्यू चेंज होती है। ऐसे नहीं होता कि 37 अगर टेम्परेचर है तो 30 पे हो जाए या 50 पे चला जाए, ऐसा नहीं है। 37 से थोड़ा सा नीचे करके 30.6 में आ जाएगा या 37 से ऊपर जाकर 38 तक चला जाएगा, तो बड़ी नैरो रेंज के अंदर फ्लक्चुएशन होती है। और ऑर्गेनिज्म जो हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में होने वाली चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं, कैसे, वो इंटरनल एडजस्टमेंट्स करते हैं, उसके हम एग्जांपल आगे पढ़ेंगे कि वो कैसे होता है। और ये एडजस्टमेंट जो है बहुत ही नैरो रेंज के अंदर होती है। और जो होमियोस्टेसिस है वो चेंजिंग इन्वायरमेंट में हमारी बॉडी को कंपेल करती है कि हम चेंजिंग इन्वायरमेंट को अडेप्ट करें, और जब आहिस्ता आहिस्ता अडेप्टेशन आती रहेंगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब मिलियंस ऑफ ईयर्स गुजरते जाएंगे अडेप्टेशन होंगी, तो एक्चुअली होमियोस्टेसिस लीड कर रही होती है टुवर्ड्स एवोल्यूशन, कि वो एक स्पीशी को फोर्स करती है, कंपेल करती है कि वो एक नई स्पीशी के अंदर जनरेट हो जाए। चैप्टर 24 में इंशाल्लाह हम इसको स्टडी करेंगे। सो अब ये क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं इंटरनल एनवायरनमेंट में जो कि चेंज हो सकती हैं। तो तीन चीज़ें हैं, वाटर है, सॉल्यूट्स हैं और टेम्परेचर हैं, जो कि अफेक्ट होते हैं आउटर एनवायरनमेंट में चेंजेस की वजह से। अब सेल जो है परफॉर्म करता है, हमसे अगेन हमने पढ़ लिया कि वो बहुत ही नैरो रेंज में करता है। अब एक सेल है, यानी कि सेल के अंदर का एनवायरनमेंट है वो है इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट। एक सेल के बाहर का एनवायरनमेंट है जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट, और इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक उसमें वास्कुलर सिस्टम आता है और उसके अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड आता है। और जो हमारी बॉडी में सॉल्यूट हैं जैसे आयंस वगैरह, वाटर हैं, डिफरेंट मेटाबोलाइट्स हैं, हॉर्मोन्स वगैरह हैं,
वो नैरो रेंज के अंदर थोड़ा सा उनकी फ्लक्चुएशन होती रहती है, यानी कभी हार्मोन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, कभी कम प्रोड्यूस होगा, कभी मेटाबॉलाइट ज़्यादा रेगुलेट हो जाएगा, डाउन रेगुलेट हो जाएगा, वाटर कंटेंट कभी बॉडी में बढ़ जाएगा, कभी कम हो जाएगा, सोल्यूट की अमाउंट बॉडी में बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी। जैसे आजकल हम रोज़ा रख रहे हैं, फास्टिंग है, तो पानी की बॉडी में डिफिशेंसी हो जाती है, इसलिए यूरिन का कलर चेंज हो जाता है ड्यूरिंग फास्टिंग। यूरिन का कलर डिफरेंट होगा, रोज़ा खोलने के बाद जब आप वाटर इंटेक करेंगे तो यूरिन का कलर चेंज हो जाएगा। तो एक्चुअली क्या होम्योस्टेसिस का मतलब इंटरनल एनवायरनमेंट को फिक्स पॉइंट पर रखना है? तो आंसर इज नो, फिक्स पॉइंट पर नहीं, क्योंकि फिक्स पॉइंट पर रखेंगे तो उससे सर्वाइवल पॉसिबल नहीं, नैरो रेंज में रखना है। वो कैसे? जैसे वाटर रेगुलेशन की अभी मैंने बात की कि अगर ड्राई कंडीशंस हैं, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पानी की डेफिशिएंसी है, तो उससे क्या होगा, वाटर लॉस को बॉडी कम से कम कर देगी। लेकिन अगर अबंडेंट सप्लाई है, आप पानी बहुत ज़्यादा पी रहे हैं, तो क्या होगा, वाटर कंजर्वेशन कम हो जाएगी। जैसे सुबह सहरी के वक्त आप बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं ताकि बॉडी में पानी की डिफिशियंसी ना हो, तो यूरिनेशन कुछ देर के लिए बढ़ जाती है, क्योंकि बॉडी ज़्यादा वाटर को अपने अंदर स्टे नहीं करवाती, कंजर्व नहीं करती, उसको निकाल देती है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इंट्रा सेलुलर सिस्टम है, और ये सारा एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है, जिसे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड का नाम दिया गया। इसमें दो चीज़ें, इंटरस्टिशियल फ्लूड और प्लाज्मा। अब इंटरस्टिशियल फ्लूड क्या होता है, ये हम चैप्टर 14 में फर्स्ट में पढ़ चुके हैं कि सेल के बाहर जो फ्लूड है, जिसको हमने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड का नाम दिया, उसके अंदर एक पार्ट है जिसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूड, कि ये ऐसा फ्लूड है जो ना सेल के अंदर है ना ही ये ब्लड वास्कुलर सिस्टम के अंदर है। तो ये बुक की डायग्राम है, तो आप इसमें देखें, एक ही एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है जिसमें हम रह रहे हैं, उसमें फ्लक्चुएशन बहुत वाइड रेंज के अंदर है। फिर ये हमारी बॉडी है जो बॉक्स है, इसका कंट्रोल सिस्टम, और ये कंट्रोल सिस्टम नैरो रेंज में फ्लक्चुएशंस को अलाउ करता है, इसके लिए उसने रिस्ट्रिक्शन रखी हुई है। फिर ये सेल का अंदर का एनवायरनमेंट है, इसका भी कंट्रोल सिस्टम है, और ये बहुत ही नैरो रेंज के अंदर फ्लक्चुएशंस को सेल अलाउ करता है। आप देखें कि दोनों डायग्राम्स थोड़ी सी दूसरे से फर्क है, इसका मतलब क्या है कि फ्लक्चुएशंस हो रही हैं लेकिन बहुत ही नैरो रेंज में, और ये कंट्रोल सिस्टम इसके अंदर हेल्प करता है। और ये जो है ना ऑर्गेनिज्म का, मैंने पहले बताया, ये इंटरनल एनवायरनमेंट है, उसके अंदर, उस एनवायरनमेंट के अंदर एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट और इंट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है। तो इस तरीके से चेकिंग चलती है। अब कंट्रोल सिस्टम, बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम है क्या? वो एक्चुअली उसी तरह काम करता है जैसे कोई फिजिकल सिस्टम काम करता है। जैसे बहुत सारी बिल्डिंग्स के अंदर सेंट्री कंट्रोल हीटिंग सिस्टम होता है, जैसे रूम टेम्परेचर को 25 में मेंटेन किया जाता है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो कूलिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो हीटिंग सिस्टम ऑन हो जाएगा। इसमें तीन कंपोनेंट्स होते हैं। तीन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? रिसेप्टर या सेंसर जो कि चेंज को डिटेक्ट करेंगे, वहां से मैसेज जाएगा कंट्रोल सेंटर के पास, और कंट्रोल सेंटर फिर अफेक्टर्स को स्टिमुलेट करेगा। सो पहले हम देखते हैं कि थर्मो रेगुलेशन कैसे होती है रूम के अंदर। तो जब टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इट विल लीड टू सेंसिंग बाय थर्मोस्टेट, कि वो थर्मोस्टेट टेम्परेचर चेंज को सेंस करेगा और वो हीटिंग सिस्टम को ऑफ कर देगा। इससे क्या होगा, जब रूम टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, जब एक सर्टन लेवल से रूम टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो थर्मोस्टेट अगेन इसको सेंस करेगा और वो हीटिंग सिस्टम को ऑन कर देगा, फिर टेम्परेचर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से ये देखें नैरो रेंज के अंदर फ्लक्चुएशंस को रखा जा रहा है। तो एनिमल्स जो कि एंडोथर्म्स है, हम आगे टाइप्स पढ़ेंगे कि एनिमल्स की एक्चुअली तीन टाइप्स होती है, एंडोथर्म, एक्टोथर्म और हाइड्रोथर्म। एंडोथर्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अब मेटाबॉलिक लेवल पर खुद से ही प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो होता क्या है कि बॉडी टेम्परेचर में जो चेंज होता है उसको रिसेप्टर्स, हमारी बॉडी के जो कि रिसेप्टर्स हैं, थर्मो रिसेप्टर्स भी होते हैं और कोल्ड रिसेप्टर्स भी होते हैं, तो जो भी रिसेप्टर्स हैं उसको डिटेक्ट करते हैं। ये रिसेप्टर सिग्नल भेजते हैं नर्व पल्स के थ्रू थर्मोस्टेट हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन के अंदर जो कि हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस फिर फैक्टर्स को, जो कि मसल्स हैं और इसके अलावा ब्लड वेसल्स हैं, उनको एक्टिवेट करता है ताकि टेम्परेचर अगर कम है तो उसको ज़्यादा कर दिया जाए, ज़्यादा है तो उसको कम कर दिया जाए। इसकी डिटेल अभी हम नहीं पढ़ रहे क्योंकि ये आगे इंशाल्लाह डिटेल हम टॉपिक्स में पढ़ेंगे। अब इस सारे सिस्टम को कोई ना कोई चीज़ मैनेज करती है, उसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। और फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन क्या है? डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर अफेक्टर रिस्पॉन्स टू कंट्रोल सिस्टम, के जो चेंज हो रही है, जो चेंज है, फ्लक्चुएशन है, उसको डिटेक्ट किया जाए और कंट्रोल सिस्टम को सिग्नल किया जाए ताकि वो अफेक्टर से रिस्पॉन्स दिलवाए। इसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, एग्जांपल है कि सेट टेम्परेचर से बॉडी का टेम्परेचर नीचे गया तो नर्व सेल्स ने, जो कि टेम्परेचर को मॉनिटर करते हैं, वो एक्टिवेट हो गए,
उन्होंने ये प्लस का साइन स्टिमुलस है, इससे मुराद इन्होंने टेम्परेचर कंट्रोल सेंटर को स्टिमुलेट किया, उसने स्केल्टल मसल्स को स्टिमुलेट किया, उससे क्या हुआ जी हीट प्रोडक्शन हुई थ्रू शिवरिंग। जैसे सर्दियों में आप एकदम बैठे बैठे एकदम से झटका लगता है, दांत बजना शुरू हो जाते हैं, इसको बोलते हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। उससे क्या होगा जी कि बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा और वो सेट पॉइंट पे आ जाएगा। अब जब सेट पॉइंट पे आ गया है तो बॉडी कोशिश करेगी कि वो सेट पॉइंट से ऊपर ना जाए। तो यहाँ पर फीडबैक मैकेनिज्म के दो हिस्से हैं, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म। नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म में क्या होगा कि यहाँ से सिग्नल जाएगा और जो टेम्परेचर मॉनिटरिंग नर्व सेल्स हैं उनको डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और कोशिश ये की जाएगी कि वो टेम्परेचर स्पेसिफिक पॉइंट पर है, सेट पॉइंट पर है, उससे ज़्यादा ना बढ़ सके। अब नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है कि चेंज की वजह से अगर एक सिस्टम एक्टिवेट हो गया और उस सिस्टम की एक्टिवेशन की वजह से उस सिस्टम को ही कंट्रोल किया जा रहा है तो इसको बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म इसको अलर्ट होता है कि चेंज को डिटेक्ट करें और एक सिस्टम को एक्टिवेट करता है, वो सिस्टम जो है उस चेंज को मॉनिटर करता रहे और किसी सब्सटेंस की कॉन्सेंट्रेशन को या उस सिस्टम को एक ही डायरेक्शन में लेके जाता रहे तो उसको पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। इसकी डिटेल इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर पढ़ेंगे। अगेन फीडबैक मैकेनिज्म की दो टाइप्स हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए एक फीडबैक लूप है कि टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सेंसर इसको डिटेक्ट करेंगे, फिर रिस्पॉन्स आएगा, वो थर्मिंग उसमें गर्मी लग रही है तो ज़ाहिर है उसमें सेटिंग स्टार्ट हो जाएगी जैसे आजकल हो रहा है, और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो सेंसर इसको सेंस करेंगे, रिस्पॉन्स आएगा और उसमें शिवरिंग वगैरह स्टार्ट हो जाएगी ताकि टेम्परेचर को एक हद तक मेंटेन किया जा सके। तो ये तो था होम्योस्टेसिस का इंट्रोडक्शन। अब होम्योस्टेसिस की तीन टाइप्स हैं, एक टाइप है ऑस्मोरेगुलेशन, एक है थर्मोरेगुलेशन, एक एक्सक्रीशन। तो पहली टाइप है जो ऑस्मोरेगुलेशन, इसकी डेफिनेशन है मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन जनरली बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरमेंट ऑफ सोल्यूट एंड गेन लॉस ऑफ वाटर, के ऑर्गेनिज्म और उसके एनवायरमेंट में सेल्यूट की एंट्री और एग्जिट को रेगुलेट करना और साथ ही वाटर के गेन और लॉस को मेंटेन करना, ये ऑस्मोरेगुलेशन है। जैसे ये एक सेमी परमियर मेम्ब्रेन है तो इसके इर्द गिर्द कभी वाटर ज़्यादा हो जाएगा, कभी सेल्यूट ज़्यादा हो जाएंगे, डिपेंड करता है कि बॉडी क्या चाहती है। फिर एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के अंदर मैकेनिज्म विच एलिमिनेट्स नाइट्रोजनस वेस्ट, यानी मेटाबॉलिक वेस्ट स्पेशली नाइट्रोजनस वेस्ट, इसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। जैसे ये यूरिनरी सिस्टम है, ये भी इस चैप्टर में इंशाल्लाह हम डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद है जी थर्मोरेगुलेशन, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल टेम्परेचर विद इन अ टॉलरेबल रेंज, कि आप इंटरनल टेम्परेचर को चेंज कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन ऐसी रेंज में जो बॉडी के सेल्स के लिए टॉलरेबल हो, बहुत ज़्यादा भी ना आप टेम्परेचर बढ़ा दें और बहुत कम भी टेम्परेचर ना कर दें क्योंकि एंजाइम्स फिर काम नहीं कर सकेंगे, और ये भी इसी चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना इंशाल्लाह। तो पहले हम पढ़ते हैं जो ऑस्मोरेगुलेशन, ऑस्मोरेगुलेशन में ज़ाहिर है वाटर और सोल्यूट हम डिस्कस करेंगे। वाटर सॉल्वेंट है बॉडी के अंदर और सॉल्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन के हवाले से सेल या बॉडी के अंदर वाटर की डिफाइंड क्वांटिटी रहती है, ऐसा नहीं हो सकता कि बहुत ज़्यादा पानी आ जाए, चूँकि एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल तो है नहीं तो इसलिए बहुत ज़्यादा वाटर भी सेल के अंदर सर नहीं रह सकता। तो अब देखिए ये एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है सेल से बाहर का, और ये तीन तरह का हो सकता है। हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट हो सकता है, इसका मतलब क्या है जी डाइल्यूटेड सोल्यूशन एज कम्पेयर टू सेल कॉन्सेंट्रेशन, ये सेल में सॉल्ट ज़्यादा है पानी कम है, उसके एनवायरनमेंट में वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा सॉल्ट्स कम है। टोनिक कहते हैं सॉल्ट को, हाइपो कहते हैं लोअर। दूसरा एनवायरनमेंट है जी हाइपरटोनिक, विच मींस कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर एनवायरनमेंट है उसमें ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्ट की और पानी उसमें कम है, यानी सेल के अंदर कॉन्सेंट्रेशन सॉल्ट्स की कम है, सेल के बाहर ज़्यादा है। सेल में वाटर की क्वांटिटी ज़्यादा है, सेल के बाहर वाटर की क्वांटिटी कम है, तो ये हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है। एक और एनवायरनमेंट इसको बोलते हैं आइसोटोनिक, आइसो मीन सेम, टोनिक मीन सॉल्ट, यानी कि ऐसा एनवायरनमेंट जो कि इंटरनल सॉल्यूशन से सेल के अंदर वाले सॉल्यूशन से एग्जांपल करता हूँ, यानी सेल में जितनी वाटर क्वांटिटी है उतनी ही मोर और लेस बाहर हो, जितना बाहर सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन है मोर और लेस सेल के अंदर भी इतनी ही, उसको बोलते हैं एसिटोनिक एनवायरनमेंट। तो अब देखेंगे होता क्या है कि अगर ये कंडीशन हों तो सेल पर क्या इफेक्ट आ सकता है। मसलन अगर हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट है, जैसे आप देख सकते हैं कि सेल के अंदर सोडियम क्लोराइड ज़्यादा बाहर कम है सॉरी और बाहर की तरफ ज़्यादा है, वाटर सेल के अंदर ज़्यादा बाहर कम है, तो इससे क्या होगा वाटर बैलेंस करने की कोशिश करेगा, होमोस्टेसिस करने की कोशिश करेगा, सेल के अंदर से बाहर जाएगा तो क्या होगा सेल प्लाज्मोलाइसिस हो जाएगी, सेल श्रिंक कर जाएगा। अगर हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है यानी पानी बाहर ज़्यादा है सेल के अंदर कम है, तो पानी बाहर से सेल के अंदर मूव करेगा जिसकी वजह से क्या होगा प्रेशर बढ़ता जाएगा, एनिमल सेल पे वो बर्स कर जाएगा, सर्कुलाइसिस हो जाएगी। और आइसोटोनिक अगर हो तो कोई गेन और लॉस नहीं होगा वाटर का और सेल के लिए कंडीशन बहुत अच्छी है। तो ये हाइपोटोनिसिटी और हाइपोटोनिसिटी अगर
थोड़ी देर के लिए होती है, बहुत ज़्यादा देर के लिए सेल इसको सर्वाइव नहीं कर सकता, इसलिए रेगुलेशन करनी पड़ती है, ऑस्मो रेगुलेशन करनी पड़ती है इन कंडीशंस को ज़्यादा देर के लिए अवॉइड करने के लिए। सो इसमें कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि होमियोस्टेसिस जो है वो तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कॉमन है। सेकेंड, हमारी बॉडी में 11 सिस्टम है, सारे के सारे होमियोस्टेसिस परफॉर्म करते हैं, जैसे हमने पहली स्लाइड में पढ़ा था। और जो टर्म होमियोस्टेसिस है ये 1926 में एक साइंटिस्ट था वॉल्टर ब्रैडफोर्ड कैनन, इसने ये डेराइव की। पास्ट पेपर के कुछ क्वेश्चन हैं जिसमें आप देख सकते हैं द प्रोडक्शन ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, ऑब्वियसली आंसर क्या है जी, होमियोस्टेसिस। आर डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कंपेयर्ड टू द सेल कॉन्सेंट्रेशन इज टर्म्ड एज, ऑब्वियसली जो सॉल्यूशन डाइल्यूट है सेल कॉन्सेंट्रेशन मुकाबले वो हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट है। द मोर कॉन्सेंट्रेटेड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज टर्म्ड एज, जहाँ मोर कॉन्सेंट्रेटेड से मुराद यहाँ पे कीवर्ड मोर कॉन्सेंट्रेटेड तो ये हाइपोटोनिक हो जाएगा। फिर जी डिफाइन होमियोस्टेसिस गिव इट्स इंपॉर्टेंस, होमियोस्टेसिस को डिफाइन करें, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि एक तो अडेप्टेशन की वजह से एवोल्यूशन होता है, दूसरा अगर होमियोस्टेसिस नहीं होगी तो सर्वाइवल ही पॉसिबल नहीं है। सेकेंड है डिस्टिंग्विश बिटवीन हाइपोटोनिक एंड हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट। कुछ क्वेश्चन, एक दो तीन क्वेश्चन है इसके अंदर। पहला तो गिव एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, उसके बाद एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट ऑफ होमियोस्टेसिस दैट कॉन्ट्रीब्यूट इन एवोल्यूशनरी प्रोसेस, के क्या ऐसी चीज़ है होमियोस्टेसिस की क्या रिक्वायरमेंट है कि जिसकी वजह से एवोल्यूशन होती है, वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। थर्ड है जी, अगर एक सिलिएट है रोटिस्टा है, अगर आप उसको प्योर वाटर में रखेंगे तो क्या होगा, और कोई क्वेश्चन है तो लाजमी पूछें। इंशाल्लाह मज़ीद लेक्चर्स अब मैं अपलोड करता रहूँगा, और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछें। अल्लाह हाफ़िज़।